सो ही यूडू फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं अभी अभी मस्त हूँ। और गाइस, अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है और मैं आज फिर से बारिश का वेट कर रहा हूँ बिकॉज 2 दिन से नहाया नहीं हूँ। तो मेरा प्लान है कि अगर बारिश आएगी तो मैं इसी से नहाऊँगा, बारिश के पानी से ही नहाने वाला हूँ। तो अभी एक तो बारिश पड़ रही है, हमारे गाँव के उस साइड पड़ रही है, हमारी तरफ वेट कर रहा हूँ कब तक आती है, और जब आएगी तब मैं नहा लूँगा। वैसे तो मैं दोपहर में ही नहाने का प्लान कर रहा था, वैसे नहाने वाला था, प्लान क्या करना है, बट बारिश होने लगी तो मैं जा कर के घर में और मूवीज़ देखने लगा। बट अभी बारिश का मैं वेट कर रहा हूँ, जब आएगी बारिश तो मैं नहाऊँगा। अभी बारिश के मज़े बहुत ही हैं नहाने के। और गाइस, ये ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरी बहन पिंकी जो अभी घर आ चुकी है और मेरा भाई आदित्य वहाँ पर खेल रहा है अभी लूडो। सो गाइस, तो अभी मैं इन दोनों को ला दिया हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ नानी के यहाँ। गाइस, तो मुझे लगता है कि अभी लूडो ख़त्म हो गया बिकॉज मेरा भांजा भी मेरे साथ आ गया है और मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ पे जहाँ पे लूडो हो रहा है, बाबा जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लूडो हो रहा है। गाइस, तो चलते हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी निकल चुके हैं और फाइनली अभी पहुँचने भी वाले हैं, बहुत दूर नहीं है हम लोग। और यहाँ पे अभी लूडो का मस्त चल रहा है मुकाबला, सांप वाला हो रहा है, सांप बता दीजिए हम पहले जीते हैं। और हमारे पहले विनर ये है, चल है। अब देखते हैं दूसरा विनर कौन होता है। गाइस, हार रहा है तो झगड़ा कर रहा है, अरे जीता तरण हो की जीतता हो झगड़ा कर रहा हो हारा तरण। गाइस, तो इन दोनों का मस्त मुकाबला चल रहा है, अब देखते हैं कौन जीतता है। और मम्मी तो पशुओं को चारा डाल रही है। सो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, लगता है बारिश नहीं आएगी तो पानी चला करके ही नहा लेता हूँ अभी। गाइस, तो फाइनली नहा लिया और बारिश का कोई पता नहीं, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मम्मी अभी रेडी है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं चंद्रवा चट्टी पे। भाई बहन तो यहाँ पे मस्त खेल रहे हैं अपने लूडो और ये बहुत चीटर है, दीदी को हरा सकता है बट दीदी की एक गोटी पास हो गई है और अभी तो ये खेल रहा है। सो गाइस, तो फाइनली मैं अभी रेडी हो गया हूँ, ऊपर रेड नीचे ब्लैक, तो चलते हैं चंद्रवा चट्टी पे। वैसे साइकिल से ही जाना है मेरे को और मम्मी को, और बारिश का भी मौसम है, कभी भी बारिश आ सकता है, कोई क्लियर नहीं है। तो हम लोग जल्दी से जाते हैं और चंद्रवार चट्टी से आते हैं अपना काम ख़त्म करके। गाइस, मैंने अभी ब्लैक टोपी लगा रखी है और मेरे भाई और मम्मी और दीदी, सॉरी मेरी बहन भाई और मम्मी अभी डिसीजन कर रहे थे बिकॉज हम लोग जा रहे हैं चंद्रवार चट्टी पे ना, तो कुछ खाने वाला तो चाहिए इनको, तो चलते हैं चट्टी पे और फिर आते हैं। जस्ट साइकिल से ही जाना है, साइकिल यहाँ पे खड़ी है। गाइस, तो मैं अभी घर था तो बारिश नहीं हो रही थी और चंद्रवार चट्टी पे आता ही बारिश होने लगी, अभी मैं रुका हुआ हूँ एक जगह। फ्रेंड्स, तो फाइनली घर आ गया और घर आ रहा हूँ, फिर भी बारिश हो ही रही है। तो वैसे हम लोग को कुछ देर टाइम मिला है, मुझे लगता है 10 मिनट का टाइम मिला है, तो मैं और मम्मी दोनों चंद्रवार से आ गए हैं, कुछ ले नहीं पाए हैं, बस खाद ले पाए हैं। सो गाइस, फाइनली आ चुके हैं, अभी बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, लाइट का कोई अता पता नहीं है, देखते हैं लाइट आती है या नहीं आती है। गाइस, इतना पानी हो रहा था, इतना बारिश हो रही थी ना, पूरा रोड पे पानी पानी हो गया था, मेरे साइकिल का आधा चक्का डूब गया था, मतलब समझ सकते हैं आपको 25% डूब गया था। सो गाइस, तो फाइनली मैं अभी घर आया हूँ, जस्ट दुकान गया था सामान लाने के लिए बिकॉज आज हम लोग कुछ बना रहे हैं, खीर और पूड़ी। सो गाइस, तो अभी लाइट नहीं है हमारे घर पे और मेरे मोबाइल का डिस्प्ले ख़राब हो चुका है जो कि वाइट वाइट पूरा दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, और अब हो गया पोपट, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाई है। ओवन का भी इन्वर्टर लो है बिकॉज धूप हो नहीं रही है, तो सोलर चार्ज नहीं कर पाया बैटरी, और लाइट आई थी तो लाइट से नहीं चार्ज होता है, बस सोलर से ही चार्ज होता है। अब लाइट का वेट है, देखते हैं कब तक लाइट आती है, जब लाइट आएगी तभी मोबाइल चार्ज होगी। शायद ये ब्लॉग कल ना आ पाए, 2 तारीख को ना आ पाए, 3 तारीख को आए, अगर लाइट आ जाएगी तब तो मैं कभी भी एडिटिंग करके अपलोड कर ही दूँगा। तो आजकल मेरे घर पर हमेशा लूडो चल रहा है, मेरे घर के बच्चे जो भी है सब लूडो खेल रहे हैं। गाइस, तो फिर से यहाँ पे लूडो चल रहा है, अभी 3 बंदे खेल रहे हैं, एक की कमी है, मैं सोच रहा हूँ आकर के पूरा कर दूँ। सो गाइस, तो फाइनली रात हो गई और लाइट आ गई, फाइनली वेट करने के बाद लाइट तो आ गई। गाइस, वैसे हमारे गाँव की तरफ लाइट नहीं आ रही थी, आधे गाँव में थी आधे गाँव में नहीं थी, तो फाइनली लाइट आ गई, थैंक यू जो भी लाइट बनाया है उसके लिए। और मेरा भाई अभी बनियान पे है। और गाइस, तो मेरे मोबाइल का स्क्रीन बहुत ही लैग कर रहा है, बहुत ही स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्यों, और मोबाइल के स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लाइनिंग आ गई है, पता नहीं ये ब्लॉग भी अच्छे से बन पाया है या नहीं, बट जैसे भी बनाओ इसे अपलोड तो करना ही पड़ेगा भाई, बिकॉज ब्लॉग डाले बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। और अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, तो आज डिनर में बना है खीर और पूड़ी, तो उसको खाते हैं, अभी दिखाता हूँ क्या क्या है। फ्रेंड्स, तो ये रहा अपना डिनर और पूरी फैमिली बैठ करके साथ में डिनर कर रही है, मैं मेरा भाई और बहन मम्मी
तो गाइस तो अभी डिनर करते हैं और उसके बाद से देखते हैं एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, तो पहले डिनर कर लेते हैं। तो गाइस तो फाइनली मैंने डिनर कर लिया और मैंने एक पूड़ी खाया है और उतने में ही मेरा पेट फूल गया है, पता नहीं क्यों, बिकॉज मैंने लग रहा है पहले से ही पानी पी रखा था। और फाइनली अभी मम्मी दीदी डिनर कर ही रही हैं, तो चलते हैं अभी सोने के लिए गाइस। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड, होपफुली ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। और हाल ही में मैं जाने वाला हूँ अपने नानी के घर, तो वहाँ भी काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग आएगा मेरे भांजे के साथ में, बहुत ही छोटा है बट बहुत ही चंचल है, उसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा सो गाइस। तो चलते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, लव यू।